उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया है कि जो राष्ट्रगान है सभी मदरसों में होना चाहिए, और इसको लेकर हम आज बैठे हैं। बीना के शेर काजी रिजवान हाशमी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे वो फैसले से सहमत है कि नहीं, और क्या पूरे देश के अंदर राष्ट्रगान मदरसों में होना चाहिए। रिजवान हाशमी जी, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होना चाहिए, चाहे शासकीय अनुदान वाले हों चाहे गैर अनुदान वाले हों। तो आप क्या लगता है आपके लिए, क्या पूरे देश के अंदर मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए? राष्ट्रगान होने में कोई किसी को किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुसलमान तो हमेशा से संविधान को मानता आ रहा है। आज़ादी में भी हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हमारा तो हम लोगों को तो पसंद है राष्ट्रगान जो है, हम लोग उसकी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और हमारे हिसाब से मदरसों में भी, मंदिरों में भी, घर घर में भी, जैन मंदिरों में भी, सब में होना चाहिए, और ज़रूरी है राष्ट्रगान होना। और उससे क्या रहता है कि आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी हैं जिन लोगों ने, उनके बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं, और दूसरी बातें और भी सामने आती हैं, और एक मोहब्बत भी वतन से बढ़ती है। और हमारे नबी ने तो कहा है कि जिस वतन में आप रहते हो उस वतन से मोहब्बत करो, तो हम लोग तो वतन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो लोग प्रमाण मांगते हैं बार बार कि आप वतन से मोहब्बत करते हैं नहीं करते, जब मुसलमानों को थोड़ा गुस्सा आता है। बाकी अच्छी पहल है और अच्छा वो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बीना के शहर काजी ने अभी जो अपनी राय दी है कि उनके हिसाब से पूरे देश के अंदर पूरे मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई बुराई नहीं है, और गर्व है कि मुसलमानों के लिए कि वो अपने दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान का भी एहतमाम करेंगे।